धार जिले की कुक्षी पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई। कुक्षी पुलिस के द्वारा नशाखोरी के विरुद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 3 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया। अवैध गांजा परिवहन करते 10 किलो गांजे एवं एक बाइक के साथ आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। कपास के खेत के बीचों बीच गांजे की खेती पर प्रहार करते हुए गांजे के पौधे 1 क्विंटल के लगभग जब्त कर लिए गए। धार जिले के कुक्षी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नशा का व्यापार उत्पादक करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदारी द्वारा दिए गए, जिस पर एसडीओपी कुक्षी दिलीप सिंह बिलवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालविया के द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। वही मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि निसरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए कोणदा दोगावा उड़ी बागनी नदी पुल की तरफ जा रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी निसरपुर दिलीप तड़वेला के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई एवं गांजे के साथ परिवहन करने वाले व्यक्ति माधव पिता कृष्णा पाटीदार निवासी मोटी माता चौक निसरपुर को मोटरसाइकिल टीवीएस एक्सल सहित पकड़ा एवं उसके कब्जे से लगभग 9 किलो 320 ग्राम गांजा भी जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,63,200 रुपए बताई जा रही है। वही मुखबिर ने दूसरी सूचना कुक्षी क्षेत्र के ग्राम लोणी के पास चोर बावड़ी फलिया में एक कपास के खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती करने की सूचना दी, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक कर दबिश दी गई, जिसमें आरोपी दूल्हे सिंह पिता रामा जमरा के खेत में कपास के बीचों बीच अवैध रूप से गांजे की खेती करते गांजे के पौधे मिले, जिनका वजन करीब 1 क्विंटल जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है उखाड़ कर जब्त किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस के द्वारा आरोपी माधव पिता कृष्ण पाटीदार निवासी मोटी माता चौक निसरपुर एवं दूल्हे सिंह पिता रामा जमरा निवासी चोर बावड़ी लोणी को गिरफ्तार किया है एवं दोनों आरोपियों को विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 8-20 एनडीबीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की उक्त उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी कुक्षी ब्रजेश कुमार मालविया, चौकी प्रभारी दिलीप तड़वेला, उपनिरीक्षक संतोष पाटीदार, सहायक उपनिरीक्षक चंचल चौहान, विमल त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक बिशन मुजालदा, आमिर अंसारी, पराकेश रावत, थानसिंह जमरा, रविन्द्र डावर, वेस्ता सोलिया, राहुल सोलंकी, वीरेंद्र, आरक्षक रविन्द्र चंदेर सिंह, सैनिक भुवान सिंह, संजय बाली, जुआन सिंह का विशेष योगदान रहा। कुक्षी से सुनील भिड़े, सीआईडी न्यूज मध्य प्रदेश। आज कुक्षी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ पकड़ने में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मुखबिर की सूचना पर कोणदा दोगावा रोड पर उड़ी बागनी नदी पर मुखबिर की सूचना